जा गई है आज अपने मान सम्मान की खातर, अपने स्वाभिमान की खातर, अपने महापुरुषों के सम्मान के दिल्ली की संगत भी आज सड़कों पे आई है। दिल्ली की संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा ही जो संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम लोग को जो गुरुदास महाजी के मंदिर के जमीन है वो सरकार लिखित में नहीं देती है, और जो बच्चे जो हमारे 96 बच्चे हैं उनकी रिहाई नहीं होती है। हम ये संघर्ष पूरे भारत में जारी रखेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर और संत रविदास के जो मंदिर को जो तुगलकाबाद में जो तोड़ा गया था वो अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है, और जो आश्वासन जो दिए गए थे वो भी जो है सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर संत समागम की ओर से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, और हमारे बीच में देखिए बहुत ही सोशल वर्कर एक्टिविटीज़ और मिशनरी राकेश जी। सर जो तुगलकाबाद में जो मंदिर तोड़ा गया है और इतना प्राचीन मंदिर जो तोड़ा गया है और अभी तक भी कोई सुलह मशवरा नहीं हो पाया है, जबकि सरकार अगर अध्यादेश लाए तो अध्यादेश लाकर इसको बना सकती है। तो सम्मान की लड़ाई है, तो सम्मान की लड़ाई में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बार बार जो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और सरकार का अध्यादेश नहीं ला रही है। देखिए ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। चूँकि वो जो जो जमीन है जहाँ पर हमारा गुरु घर बना हुआ था वो अरबों खरबों की ज़मीन है, तो उनका इन लोगों के साथ मिलकर के सरकार की ऐसी मंशा हमें लगती है कि इस ज़मीन पर वो कुछ उनका कोई और मुझे लगता है कि कोई ऐसी परिकल्पना है उनकी कि वो उस ज़मीन का फ़ायदा जो है कमर्शियल करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ ये जो गुरु घर हमारा तोड़ा गया है ये केवल एक इंजेक्शन देने की कोशिश सरकार ने की है कि देखते हैं कि जो 40 करोड़ इस देश के दलित हैं उन पर कितना असर होता है। असल में उनका सही असल निशाना भारतीय संविधान को ध्वस्त करने का है। इसीलिए जैसे मीडिया जो है आज देश की मीडिया इस सरकार की रखेल का काम कर रही है, और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी बड़ी संदेहजनक है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मंदिर ढहाने का हुक्म देती है और जो परसों जो डॉक्टर तंवर ने जो रिट डाली थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये ऐसा हमने ऑर्डर नहीं करा है, तो बड़ी दुविधा की बात है कि वो कहती है कि हमने ये ऑर्डर नहीं किया है, इसीलिए उसने मतलब चीफ जस्टिस को भेज दिया है मामला। जो मंदिर जो तोड़ने का जो ऑर्डर था हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है हमने नहीं किया है। हाँ, अभी जो डॉक्टर अशोक तंवर ने रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें आदित्य जो हमारे एडवोकेट हैं आदित्य जैन उनके माध्यम से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने मंदिर को ढहाने की बात नहीं कही थी, हमने जो इल्लीगल ढांचा आसपास है उसको ढहाने की बात करी थी, इसलिए उन्होंने मामला जो है चीफ जस्टिस को रेफर किया है। हम तभी हमें संदेह है कि जहां मीडिया भी सरकार के शह पे काम कर रहा है और इसी तरह से न्यायपालिका भी हमारे साथ अन्याय कर रही है, और आपके जो दो खंभे हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिस वो दूसरा जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है और आपकी जो मीडिया है उस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। उनका असल निशाना इन तीनों चारों खंभों को ध्वस्त करके भारतीय संविधान को ध्वस्त करना है, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। जी चलिए धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में देखिए राकेश बहादुर जी, जिनके वक्तव्य एकदम सही है कि इनका संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था तो वो उसके झूठ बोलकर जो है वो प्रशासन ने जो है वो मंदिर को गिराया है। तो चलिए मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।